हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? और सुपर केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पहले दो वीडियो में आपने देखा था पाइरिडिन और पिरिमिडिन हेटरोसाइक्लिक केमिस्ट्री के जो दो कंपाउंड थे उसके बेसिस पे। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो तीसरा जो आइसोक्विनोलिन हेटरोसाइक्लिक केमिस्ट्री में से ही याद है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार पूछा गया है। दोस्तों, इसके बेसिस पे जैसे कि यू टू मेथड्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ आइसोक्विनोलिन, उसके सिंथेसिस के बारे में पूछते, उसका रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और या न्यूक्लोफिलिक, उसका रेडियंट स्ट्रक्चर एरोमेटिसिटी, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, सीधा शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, ये है आइसोक्विनोलिन का स्ट्रक्चर, दो बेंजीन रिंग, इसमें एक नाइट्रोजन एटम जो है वो सेकंड पोजीशन पे है। तो इसमें बताया मैंने कि जैसे कि वो ऑप्टेन बाय मेटा कंडेंसेशन ऑफ बेंजीन, मतलब ये दिस इज अ बेंजीन रिंग और पिरिडिन रिंग। तो दोस्तों, इसको आइसोक्विनोलिन को एज ए टू अजा नैप्थेलिन बोला जाता है। दोस्तों, आजा क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन को हेटरोसाइक्लिक में एजा एज ए बोलते हैं, तो ये सेकंड पोजीशन पे है, सो दिस इज कॉल्ड टू अजा नैप्थेलिन और बेंजो सी पायरिडिन। दोस्तों, इट इज नंबर इन द सेम मैनर एज आइसोक्विनोलिन। दोस्तों, क्विनोलिन में नाइट्रोजन पहले पोजीशन पर रहता है और आइसोक्विनोलिन में नाइट्रोजन सेकंड पोजीशन पर रहता है। तो दोस्तों, अभी इसका प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। दोस्तों, प्रॉपर्टीज़ क्या है कि दोस्तों, ये एक कलरलेस सॉलिड है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है 243 डिग्री सेल्सियस पे। दोस्तों, इसका जो स्मेल जो रहता है रिजेंबल बेंजाल्डिहाइड जैसे रहता है। दोस्तों, वो एक स्पेरिंगली सोल्यूबल वाटर है, बट वो सोल्यूबल रहता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि मेथनॉल, टोलिन एक्सेट्रा। इसका डाइपोल मोमेंट है 2.60। अभी नेक्स्ट, एसिडिटी एंड बेसिसिटी। इट इज अ वीक बेस सिमिलर टू डैट ऑफ पेरेडिन, हैज़ ए पी के वैल्यू 5.2। वीक बेस है पेरेडिन क्योंकि द रीजन इज सिमिलर इज डैट ऑफ क्विनोलिन। तो उसका एरोमेटिसिटी देखेंगे तो दोस्तों, जो आइसोक्विनोलिन है वो हाईली एरोमेटिक नेचर है, एंड उसका जो रेजोनेंस एनर्जी है, रेजोनेंस एनर्जी 47 किलो कैलोरी मोल। तो दोस्तों, अभी इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसका, जैसा कि मैंने ड्रॉ किया है, ये आइसोक्विनोलिन का स्ट्रक्चर। अभी नाइट्रोजन जो है वो अपन पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो बॉन्ड इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा वो, तो नाइट्रोजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इधर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इधर का जो बॉन्ड इस पे आएगा तो इधर फॉर्म करेगा एक बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा इधर। तो थर्ड इसमें बताया कि किस प्रकार के पॉजिटिव चार्ज इधर आता है और बॉन्ड इधर फॉर्म होगा। तो ये दोस्तों, अभी इधर का जो बॉन्ड वो अपने तरफ खींचेगा, तो इधर एक बॉन्ड जाएगा। नाइट्रोजन पे एज इट इज नेगेटिव चार्ज रहता है, तो दोस्तों इधर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, बॉन्ड इधर जाएगा। दोस्तों, अभी इधर का जो बॉन्ड है इधर आ जाएगा, तो इधर होगा पॉजिटिव चार्ज, जो फिफ्थ स्ट्रक्चर में बताया है। दोस्तों, इधर का जो बॉन्ड इस पे आएगा तो इधर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे एज इट इज नेगेटिव चार्ज रहेगा। दोस्तों, इलेक्ट्रोफिलिक जो रहता है वो अटैक करता है C5 C8 पोजीशन पे। दोस्तों, अभी इसके बेसिस पे सिंथेसिस
जो आइसोक्विनोलिन के, ऐसा क्वेश्चन आता है कि जैसे कि गिव टू मेथड्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ आइसोक्विनोलिन। तो पहला जो मेथड है वो बिस्लर नेपल्स की सिंथेसिस, तो उसका जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो है टू फिनाइल अमीनोइथेन। तो ये है टू फिनाइल अमीनोइथेन का स्ट्रक्चर, और ये है मिथेनॉल क्लोराइड। रिमूवल ऑफ HCl, तो क्या करेगा, जो नाइट्रोजन पे जो दो लोन पेयर रहता है जो आपको पता रहेगा, वो कार्बन पे जाएगा, ऑक्सीजन इधर का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे चार लोन पे रहता है, तो फिर से एक इधर आएगा तो इधर डबल बॉन्ड, और ये रिमूव करेगा एक Cl को। तो इसमें बताया है देखो, जैसे कि NH एक हाइड्रोजन निकल गया इसमें से और एक Cl रिमूव हो गया, ये स्ट्रक्चर। दोस्तों अभी इसके साथ रिएक्ट करेंगे POCl3। POCl3 को डिहाइड्रेशन रिएजेंट भी बोलते हैं। तो कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर मिलेगा आप उनको। दोस्तों जो ये वाला बेंजिंग जो रिंग है वो एरोमेटिक फॉलो नहीं करता है, तो उसको एरोमेटिक फॉलो करने के लिए आप उनको कौन सा भी एक कैटेलिस्ट PDC ले सकते हैं, या सिलिनियम डाइऑक्साइड या हीट, तो वो फर्दर रिएक्ट करेगा तो अपन को मिलेगा लास्ट में आइसोक्विनोलिन का स्ट्रक्चर। तो ये है बिस्लर नेपल्स की सिंथेसिस। दोस्तों अब इसका सेकंड जो सिंथेसिस है वो है पोमेरेंस फ्री सिंथेसिस। स्टार्टिंग मटेरियल उसका जो रहता है बेंजाल्डिहाइड के साथ रहता है, तो ये है बेंजाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर। ये है 2,2-डाइथॉक्सीअमाइन इथेन, और इसको बोला भी जाता है अमाइनो एसिडल पहला एंड सेकेंड पोजिशन। सो 2,2-डाइथॉक्सीअमाइनोइथेन। तो प्रेजेंस ऑफ H5C2OH, इतना डिहाइड्रेशन तो फॉर्म करेगा और देगा अपने स्ट्रक्चर लास्ट में आइसोक्विनोलिन। दोस्तों अभी इसका दोस्त तीसरा सिंथेसिस है वो है फ्रॉम इंडेन से। तो जो इंडेन का स्ट्रक्चर अपन को इस प्रकार का है कि एक बेंजिंग रिंग और 5 मेंबर रिंग अटैच है, प्रेजेंस ऑफ O3 मेथनॉल 70 डिग्री सेल्सियस पे, तो अपन को ये मिलेगा स्ट्रक्चर। बताएं ब्यूटेन, प्रेजेंस ऑफ NH3 एंड NH4OH, तो लास्ट में स्ट्रक्चर मिलेगा आइसोक्विनोलिन। दोस्तों अभी इस पे रिएक्शन क्या रहते हैं कि तो रिएक्शन देखेंगे अभी। सबसे पहले वो है प्रोटोनेशन, तो प्रोटोनेशन ये है आइसोक्विनोलिन का स्ट्रक्चर। एच प्लस आपको पता है प्रोटोनेशन में एच अटैच होगा, अभी इधर नाइट्रोजन पे एच अटैच हो गया तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अभी सेकंड जो है रिएक्शन वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें देखेंगे ब्रोमिनेशन। दोस्तों ब्रोमिनेशन अभी सब स्टार्टिंग प्रोडक्ट जो है वो आइसोक्विनोलिन AlCl3, तो नाइट्रोजन को अटैच करेगा AlCl3 नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। तो अभी Br2 से साथ फर्दर रिएक्ट करेगा, तो फिफ्थ पोजिशन पे वो अटैक होगा क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस ऑन फिफ्थ पोजिशन ऑफ कार्बन या सी या एट पोजिशन। तो अभी दोस्तों न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स में सबसे पहले अल्काइलेशंस, आइसोक्विनोलिन का स्ट्रक्चर BuAl PHNO2, सेकेंड पोजिशन पे वो अटैच होगा Bu। सेकेंड इसमें अमाइनेशन, अमाइनेशन में NaNH2 के साथ रिएक्ट करेगा आइसोक्विनोलिन लिक्विड अमोनिया, NH2 अटैच होगा सेकेंड पोजिशन ऑफ कार्बन। तो अभी तीसरा जो है वो है रिडक्शन। अभी आइसोक्विनोलिन का स्ट्रक्चर तीन इसमें मैंने बताया रिडक्शन किस प्रकार के, आपको पता है रिडक्शन क्या होता है कि बॉन्ड ब्रेक होता है इसमें बॉन्ड लीव्स होता है। तो सबसे पहले देखेंगे अभी C2H5N2NH2 0 डिग्री सेल्सियस पे इट गिव्स दिस स्ट्रक्चर, बॉन्ड ब्रेक हो गया। फर्दर NaC2H5OH, ये भी सेम स्ट्रक्चर देगा,
दो बॉन्ड ब्रेक हो गया। लास्ट में कैटेलिस्ट जो है H2PT कॉन्सेंट्रेटेड रेसियल, इसमें ये वाला बॉन्ड, इसमें जो तीन पाई बॉन्ड थे वो ब्रेक हो गए। और फर्दर इसमें लास्ट में मिलेगा अपन को स्ट्रक्चर कि सभी बॉन्ड ब्रेक हो गए। तो दोस्तों ये था न्यूक्रोफिल्स का रिएक्शन। तो दोस्तों बस इतना ही था आज के वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आप अपने दोस्तों को भी शेयर करो। दोस्त अगर कुछ और डिफिकल्टीज है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में भी लिखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।